आप रोहतास जिले के सबसे पिछड़ी इलाका जिसको बोलते हैं, आप वहाँ से बिलोंग करते हैं जी। और यहाँ पर रहकर आपने दारू फिल्म का निर्माण किया, तो कैसे आपके दिमाग में क्या ख्याल आया था कि अपने क्षेत्र में कोई फिल्म बनाए या निर्माण करे, क्या इसके पीछे आपका क्या मकसद था? देखिए, मेरा मकसद ये था कि बचपन से ही मेरा ये हॉबी रहा है और मैं सिर्फ एक्टिंग और फिल्म के लिए ही हूँ। तकरीबन 20 से 25 साल पहले से हम लोग ये थिएटर करते आ रहे हैं। आप थिएटर करते करते अब चूंकि एक मुकाम बनाना था तो मेरे दिमाग में ये था कि बहुत हमने काम किया है, फिल्म भी करते हैं, इसी चीज़ को ध्यान में रखकर के हमने ये फिल्म का निर्माण किया दारू। क्योंकि दारू ऐसा अभी एक नया नया मुद्दा था अपने बिहार में और इसी मुद्दे को हमने उठाया। दारू फिल्म के निर्माण करने में आपका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य बन रहा है दारू फिल्म निर्माण करने का मुख्य उद्देश्य यह रहा सर कि जो शराब से होने वाले लोगों को नुकसान होता है, क्योंकि अभी हमें सरकार ने शराब को बंद करा दिया बिहार में, तो जो मकसद था सरकार का उसी सोच के आधार पर हमने फिल्म का निर्माण किया कि शराब से कैसे एक घर परिवार उजड़ता है। चूंकि हमारा जो है पहाड़ी क्षेत्र है और इधर लोग बहुत ज़्यादा महुआ दारू का सेवन करते हैं और दारू से हमेशा नुकसान ही होता है, किसी का फायदा नहीं हुआ आज, तो इसी सब चीज़ों को लेकर के हमने इस फिल्म का निर्माण किया। पब्लिक के बीच में क्या इसका जो है उद्देश्य जा रहा है दारू के? दारू फिल्म का एक मकसद है, एक उद्देश्य है और इसका बहुत बढ़िया रिस्पांस हमें मिल रहा है। अभी हमारा फिल्म चल रहा है रायपुर में, आने वाले दिन में 4 से 5 थिएटर में लगने जा रहा है। क्योंकि हमारा इस फिल्म में एक मकसद है, एक उद्देश्य है कि हम लोगों को ये संदेश दें कि दारू पीने से क्या क्या नुकसान होता है, ऐसी चीज़ को हम इस फिल्म में दिख रहे हैं। बहुत सारी अड़चने आई होंगी, बहुत सारा आपने जो है अड़चन झेला भी, लेकिन क्या विश्वास था आपका इस फिल्म को लेकर? देखिए, जब आदमी जो चाह लेता है उसको पूर्ण कर ही लेता है और यही हम लोग भी किए। जब इस फिल्म का हमने निर्माण शुरू किया था तो लोगों को ये भरोसा नहीं था कि ये इस पहाड़ी क्षेत्र में और पिछड़े हुए क्षेत्र में भी कोई फिल्म का निर्माण कर सकता है और इस मुकाम तक ला सकता है, लेकिन हमने इस काम को तकरीबन 9 महीना में फिल्म का निर्माण कर सेंसर करा करके आज थिएटर में इसको लगवा दिए हैं, तो इस तरह से हमारा ये मकसद कामयाब रहा। कोई और फिल्म का या और किसी चीज का इरादा है आप बनाए हैं तो बतला सकते? हाँ सर, ये फिल्म अभी चूंकि हमारा मकसद है कि ये फिल्म जिस काम के लिए बनाया है, उद्देश्य के लिए बनाया है, पहले वो पूरा हो जाए, इस फिल्म को हम बिहार के हर कोने में लोगों के बीच में दिखलाना चाहते हैं और उस काम को हम करेंगे, बखूबी करेंगे। और हम लोग का प्रयास है कि अगर बिहार सरकार की नज़र इस फिल्म के ऊपर पड़ जाती है तो हमें एक बल मिलेगा, क्योंकि हमने फिल्म सरकार की सोच के ऊपर ही आधारित ये फिल्म बनाया है और हमें अगले 2-3 फिल्में अभी और करनी है, जो एक जिला रोहतास जो कि नक्सल बेस्ड फिल्म है वो भी इसी क्षेत्र में करेंगे। एक सांस्कृतिक हमारे भोजपुरी फिल्म है, इसमें दिल्ली की एक प्रोडक्शन कंपनी है उसको लेकर के हम करने जा रहे हैं। फिल्में तो हमारी बनते रहेंगी, हमने इस पहाड़ी क्षेत्र को एक नया मुकाम देने का प्रयास। संतोष जी, आपने जब फिल्म का शूटिंग स्टार्ट किया तो आपने इसी क्षेत्र को क्यों चुना? सर देखिए, जिस तरह का मेरा कहानी है, जिस तरह का मेरा कॉन्सेप्ट था कहानी का, उसमें जो भी था, क्योंकि महुआ शराब का सेवन जिधर ज्यादा होता है तो उसी चीज का उसी रियल स्टोरी हमने उठाया और ये लोकेशन भी आपको फिल्म में मिलेगा, बिल्कुल जंगल पहाड़ बिल्कुल एकदम, और वैसे ही लोग जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं जिनमें ये दारू पीने का बहुत ज़्यादा प्रचलन होता है, कैसे अपना घर परिवार बर्बाद कर लेते हैं दारू के चलते, उनका बाल बच्चा कैसे तबाह होता है, तो इन सारी चीज़ों को हमने इस फिल्म के अंदर रखा है। आपको क्या लगता है कि दर्शक इस फिल्म को देखने के बाद इससे कुछ शिक्षा लेंगे और दारू अपने क्षेत्र में कम होगी? देखिए, दारू कम होगी ये तो सरकार ने पूर्ण रूप से बंद ही करा दिया है, तो कम होने की बात ही छोड़ दीजिए, ये तो हो ही रहा है, लेकिन लोगों को इस फिल्म से शिक्षा जरूर मिलेगा कि वो जो पहले अपना जीवन बर्बाद करते थे दारू पी करके, वो नहीं पिए और अपने परिवार को भरण पोषण करने में वो एक अलग मुकाम बनाए। दारू से हमेशा नुकसान ही हुआ है, किसी का फायदा नहीं हुआ है। अभी आप हैं निर्देशक भी हैं और स्वयं एक्टिंग भी किए हैं, तो कैसे कर लिए ये सब सारा चीज आप एक साथ?
बस करने का आदमी का जुनून होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो हम एक्टर हैं और एक्टर होने के साथ साथ हम डायरेक्शन भी करती हैं इस फिल्म में। और इसमें बहुत ज़्यादा स्टार कास्ट कोई नहीं है, फिर भी कुछ लोग हैं इसमें जो बेगूसराय बिहार के ही सारे लोग हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि ये फिल्म जो है पूर्ण रूप से पूरे बिहार में ही बना है, इसका हर कार्य बिहार में हुआ है, इसका सेंसर सिर्फ मुंबई से हुआ है इस फिल्म। तो लोगों में चाहत था, हम लोगों ने किया।